नमस्कार। ये कभी किसी को मत बताना, कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ की, कुछ ऐसी बातें हैं किसी को मत बताना। अगर ये बातें आपने बता दी ना, तो लोग आपका साथ देना तो दूर, आपको पहचानने से भी इनकार कर लेंगे। कहेंगे यार कौन यार, आपको यार मैंने कहीं देखा है। हाँ यार, अच्छा अच्छा अपन वहां मिले थे। ऐसे हो जाते हैं लोग। तो ध्यान रखना कि कुछ अगर आपकी कुछ परिस्थिति विपरीत आए, आपकी कुछ बातें ऐसी हैं, अगर हैं उनको तो छुपा के रखना, लोगों को मत बताना। वरना ये दुनिया है साहब, जब आपका पद प्रतिष्ठा ऊंचाइयों पर होती है ना, तो अनजान लोग भी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। और जब आपका समय खराब हो, जब आपकी पद प्रतिष्ठा मुश्किल समय में हो, तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। साथ देना तो दूर, आपको पहचानने से इनकार कर लेते हैं। यार आप कौन हो, आपको मैंने कहीं देखा है। जब आप उनके पास मदद मांगने जाते हो ना, तब वो यही कहते हैं, अरे यार आपको कहीं देखा है मैंने। और आप तो उनके पास मदद मांगने जा रहे हो, क्योंकि आप तो सोचते हो कि यार मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं और वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते। लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब आपकी स्थिति विपरीत होती है। तो एक बात ध्यान रखना, ये बातें किसी को मत बताना। नंबर वन, ये किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो। बिजनेस में, व्यापार में अगर आपको नुकसान हो गया है, तो वो नुकसान किसी को मत बताना। चाहे आपकी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, चाहे आप कंगाल क्यों नहीं हो गए, किसी को मत बताना ये बात। आपका बिजनेस में नुकसान, आपका व्यापार में नुकसान, या आप नौकरी कर रहे हो और किसी भी तरह का आपको नुकसान हुआ है, आपकी स्थिति डाउन हो गई है, तो किसी को मत बताना। अगर आपने बता दिया, पूरी पूरे एरिया में अगर आपकी बात फैल गई ना, तो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे फ्रेंड आपका साथ छोड़ देंगे। और जब आप सहायता मांगने जाओगे, आप हेल्प मांगने जाओगे, तो वो क्या करेंगे, सलाह देंगे। ध्यान रखना, जब आप संकट में हो, तो 100 लोगों के पास में आप सहायता हेल्प मांगने जाओगे, सिर्फ 10 लोग आपकी हेल्प करेंगे। 90% लोग आपको सलाह देंगे, आपको एडवाइस देंगे, यार आप ये कर लो यार, ये आपके अच्छा हो जाएगा, आपको ये काम करना चाहिए यार, आपको वो करना चाहिए। और वो से लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि आपको पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए यार था यार, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपने ऐसा क्यों किया। लोग आपको सलाह देंगे, आपकी क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। इसलिए किसी को मत बताना तुम कंगाल हो गए हो। सेकंड, किसी को यह मत बताना कि तुम कमजोर हो। अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, चाहे आपके खासम खास फ्रेंड क्यों ना हो, आपका खास रिलेटिव क्यों ना हो, अपनी कमजोरी, आप कमजोर हो, किस फील्ड में आप कमजोर हो, यह मत बताना। आपका खास फ्रेंड है, आपने उससे सारी बातें शेयर कर ली, इन फ्यूचर में चाहे कुछ भी हुआ और आपके और आपके फ्रेंड की नहीं बनी, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपकी सारी कमजोरी लोगों को बता देगा और आप लोगों के सामने कमजोर हो जाओगे। तो अपनी कमजोरी, अगर आप कमजोर होना, तो यह बात किसी को मत बताना, खास से खास व्यक्ति को भी मत बताना। यह कभी मत बताना लोगों को कि तुम फेलियर हो। ध्यान रखना, हर इंसान बिजनेस में असफल होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ठोकरे खाता है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं असफलताएं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप बार बार फेल हो रहे हो, तो लोगों को, अपने यार दोस्तों लोगों को यह मत बताना कि मैं फेलियर हूं, मुझे बार बार असफलता मिली। जब आप अपने आप को फेलियर साबित करोगे लोगों के सामने, तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मौक उड़ाएंगे, आपका जोक उड़ाएंगे। फिर आप क्या करोगे, अपने आप को फेलियर लोगों के सामने शो मत कर। हां, किसको असफलता नहीं मिलती, किसको व्यापार में, नौकरी में बाधाएं किसको नहीं आती, कौन फेल नहीं होता है, सब होते हैं। लेकिन ढिंडोरा मत पीटना अपने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने मिलने वालों को, कहोगे मैं फेलियर हूं, तो कौन साथ देगा आपका। फेलियर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, भले ही वह मेहनती हो, ईमानदार हो, तो भी साथ नहीं देते लोग। क्यों? क्योंकि देखते ये तो फेलियर है, अपने क्या काम आएगा। आज की दुनिया तो स्वार्थ की दुनिया है। वापिस आप कुछ करते हो तो दुनिया देखती यार मेरे क्या काम आएगा, ये तो फेलियर है यार। इसलिए ये कभी मत बताना लोगों को। आपका कभी आपका मजाक उड़ा हो,
कभी आपको मुश्किलों का सामना पड़ा करना पड़ा हो तो लोगों को मत बताना कि यार मेरे का उस जगह मेरी हंसी उड़ी, मेरी मजाक उड़ी। ये बात आपको लोगों को बताओगे ना तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे कि यार इसकी तो छोटी छोटी बात भी मजाक उड़ी हुई है। कहीं आपकी मजाक उड़ी है, कहीं लोगों ने आपका अपमान किया है तो आप दूसरों को मत बताना। अपना अपमान, अपनी मजाक आप लोगों को बता दोगे ना, आप तो हंसी हंसी में बताओगे यार नहीं यार मेरा भी उस जगह यार एक बार मजाक उड़ गई थी यार, एक बार अपमान हो गया था। आप तो नॉर्मल वे में करो कहोगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वही बात आपकी दूसरों के सामने हंस हंस के आपकी मजाक उड़ाएगा, हंस हंस के आपका अपमान करेगा। इसलिए जब भी कभी आपकी मजाक हुई हो, जब भी कभी आपका अपमान हुआ हो तो लोगों को मत बताना। तो ये कुछ बातें हैं जो लोगों को मत बताना, वरना यही लोग आपका साथ देना तो दूर आपको पहचानने से भी इनकार कर दें। कहेंगे भैया आप कौन हो, आपको मैंने कहीं देखा है, अपन कहीं मिले हैं और अपन कहीं जाने पहचाने हैं, ऐसी बातें करेंगे। भले आप उनके कितने खास क्यों न हो, क्लोज क्यों न हो, आपको भूलने में वो देर नहीं करेंगे।